राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज वायुसेना भर्ती की दौड़ एवं लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की तमाम जिलों के युवा शामिल हुए। पहले चरण में दौड़ का आयोजन किया गया, इसमें जितने भी युवा सफल रहे उन्हें आगे लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिला। इस बीच हमारी टीम ने एयरफोर्स के विंग कमांडर इमरान खान से बातचीत की, क्या कुछ बताया उन्होंने, आइए देखें विस्तार से। आज दूसरा चरण है भर्ती का। पहले चरण में 13 डिस्ट्रिक्ट हमने बुलाए थे छत्तीसगढ़ के, और आज 14 जिले बुलाए थे, जिसमें से सुबह 2452 लोग आए, जिनका हमने PFT दौड़ कराई, जो 1.6 किलोमीटर दौड़ है, जिसमें से 449 बच्चे पास हुए PFT 1 में, और PFT 2 में जो अपियर हुए उसके बाद हमारे पास टोटल फाइनल फिगर आया है 404 का, जिसके बाद रिटर्न एग्जाम जो हो रहा है 404 रिटर्न एग्जाम के लिए क्लियर हुए थे, उसके बाद 11 बच्चे और आए, तो टोटल 412 भी रिटर्न में बैठेंगे, और जो रिटर्न में क्लियर होंगे वो 81 में जाएंगे एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में, और हर इसके बाद हर जो स्टेज के बाद एलिमिनेशन राउंड है, जो 81 में पास होंगे वो 82 में जाएंगे, और 82 में जो पास होंगे वो, क्योंकि हम लोग कमांडो की भर्ती कर रहे हैं तो उसमें एक नया टेस्ट है डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, असेस करने के लिए वो कमांडो बनने लायक है कि नहीं है। जो DFT में पास होंगे वो उन बच्चों को हम मेडिकल के लिए रिकमेंड करेंगे। जैसे पहले साइकिल में जो 13 ज़िले थे उसमें से 3001 बच्चे आए थे शुरू में, सारे टेस्टिंग के बाद हम लोगों ने 43 बच्चे रिकमेंड किए मेडिकल के लिए, और इस बार में देखते हैं, उम्मीद है कि रिटर्न में अगर अच्छे बच्चे पास हुए तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.